शहडोल जिले के जेतपुर विधानसभा में कई जगह जनता ने मतदान का बहिष्कार किया। ग्राम मजीरा की जनता ने कई घंटे तक मतदान का बहिष्कार किया। अधिकारियों के समझाने के बाद भी मतदान शुरू हुआ। वहीं प्रशासन के निर्देश के बावजूद ग्राम बटूरा में महिला दिव्यांग पैदल ही बूथ पर वोट डालने आना पड़ा। वहीं ग्राम बिछिया और ग्राम रजवान में भी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। अभी तक वोट नहीं डाला जा रहा है, इनके मांगे क्या है अपन पूछते हैं। पब्लिक है यहाँ पे है सर, बताएंगे यहाँ क्या। मैं ग्राम पंचायत मजीरे से मोतीलाल साहू हूँ जी। हमारे गांव में जो है चकबंदी लगभग सन 1964 से चौंसठ से यहाँ है। इसकी सुधार के लिए शासन के लिए 20 साल हो गए मांगे रखते हुए, शासन के द्वारा कोई इसका सुनवाई नहीं किया गया। इस वजह से हम लोग जो है मतदान बहिष्कार करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, और क्या क्या मांगे हैं आपकी? पहला मांगे, दूसरा मांगे ये है कि जो सरकारी जमीन में जैसे जो लोग घर बना के रहते हैं या कि काबिज किए, उन्हें शासन के द्वारा पट्टा या कि काबिज दिया जाए। तीसरा यह है कि जैसे किसी की जमीन में कोई घर बनाया है या कि सरकारी में बनाया उसका पट्टा, और जो भूमिहीन मजदूर है 5 एकड़ से ऊपर वालों को जमीन जो काबिज की है सरकारी, उसको कम करके जो भूमिहीन मजदूर उनको दिया जाए, शासन दे या पंचायत दे, हमारी मांग ये है। सर आप लोग बताएंगे। हमारी भी मांगे यही है कि चकबंदी की जो समस्या हमारे यहाँ है ग्राम पंचायत मजीरा में, वो समस्या के समाधान के लिए हमने कम से कम 15-20 साल से पैरवी कर रहे हैं। विधायक को भी आवेदन दिए, कलेक्टर को भी दिए, कमिश्नर को भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हो रही है। तो इसलिए हम चुनाव बहिष्कार करना चाहते हैं। चलिए ठीक है सर, आप बस वही बात है, हमारे यहाँ जो चकबंदी की समस्या बनी हुई है, इसके लिए आम पब्लिक जो है इतनी परेशान हो रही है, दूसरे के जमीन में काबिज कर रहा है, ये समस्या जब तक दूर नहीं हो जाता हम तक चुनाव को कब। सर ये बताइए, आपके मंजीरा गांव में कितने वोटर लिस्ट, कितने धारी है वोटर लिस्ट में? 940 टोटल अभी तक एक वोट पड़ी है अभी, उसके बाद वो बीमार था, वो समझ नहीं पाया, आके वोट डाल दिया है। इसके अलावा कोई वोट ना, कोई एजेंट रहा वोट डलवाते, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। सर यहाँ क्या समस्या है मजीरा पे? मजीरा में समस्या यह इस बात की है कि हमारे गांव में चकबंदी लागू है, और चकबंदी के हिसाब से कोई मतलब काश्तकार काबिज नहीं है। पूर्व के हिसाब से चकबंदी के पहले जो मतलब बंदोबस्त की पट्टा के हिसाब से काबिज है, उसी के आधार पर फिर से मतलब पट्टा अपना मतलब लागू करवाना चाहते हैं, चकबंदी निरस्त करवाना चाहते हैं, जिससे कि आम किसानों को मतलब ये विवाद की ढांचा बन चुकी है कि मतलब हम चकबंदी में अगर चकबंदी हिसाब से करते हैं तो एक दूसरे की ज़मीन हमारे चक में फंसा है, तो एक विवादित का बहुत बड़ा मुद्दा बना है, क्योंकि हर किसानों के पास इतना रकम पैसा नहीं है, इतना पूंजी है कि हम जाके अपने सीमाओं को सीमा चिन्हित करा सकें। इसलिए इस मुद्दा को चकबंदी दस्त कराने के लिए एक मतदान का रुकाव के लिए एक संगठन बना के रोका गया है, जिसमें कोई हमारी आवाज़ सुन करके अधिकारी सुने और उसकी निदान करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसराम दास कुशवाहा है। कहाँ से हैं? मजीरा से। श्रीमान जी हैं, क्या क्या मामला है सर? यहाँ पर क्या था कि राजस्व विभाग का मसला है जी। शुरू में शासन की योजना थी चकबंदी जी, वो कुछ दिन चली, इसके बाद वो बंद कर दी गई। यहाँ पर भी उस संबंध में कार्य हुआ, और कार्य होने के बाद जब ये हुआ कि योजना बंद की जा रही है, तो चकबंदी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। यहाँ के किसानों की ज़मीन जो सर्वे हुआ था उसी के आधार पे एटीटी राह चला आया। इन लोगों ने कई बार अपनी शिकायतें शासन तक पहुँचाई, जनप्रतिनिधियों को पहुँचाई, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने विरोध करने का एक मुद्दा ये चुना है कि मतदान नहीं करेंगे, ऐसे शांतपूर्वक ढंग से कर रहे हैं, और प्रशासन को चाहिए, शासन को चाहिए कि समस्या का निराकरण करें। इस संबंध में क्या है कि थोड़ा राजस्व विभाग की लापरवाही तो कहीं ना कहीं सामने नजर आती है। तत्काल तो ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इसका प्रोसीजर बहुत लंबा है, लेकिन हमें आशा है कि इस प्रशासन को यहाँ पर आना चाहिए और आप लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए, इसका निराकरण करना। ठीक है सर, आप सर कहाँ से हैं? हम केशवाही से, विक्रम सिंह नाम जी। ठीक, थैंक यू।